मंगलवार को चंडीगढ़ से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे दो गुटों में जबरदस्त लड़ाई हुई। मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया। सेक्टर 23 में सोमवार दोपहर को दो गुटों में अचानक हुए झगड़े से इलाके में सनसनी फैल गई। इस झगड़े में कई युवकों को चोटें आई हैं। वहीं दिन दिहाड़े हुए इस झगड़े के सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस की पेट्रोलिंग और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। डीएसपी चरणजीत सिंह विर्क ने बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर ये लड़ाई हुई है, जिसमें हमला करने के बाद एक गुट फरार हो गया। हालांकि वो जल्दबाजी में अपनी दो गाड़ियां वहीं पर छोड़ गए। उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कुल 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की माने तो जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। फाइनेंसर मोनू और शिवचरण के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा है। सोमवार दोपहर मोनू सेक्टर 23 की मार्केट में अपने जानकार से मिलने आया था। थोड़ी देर में अचानक दो गाड़ियों में आरोपी पहुंचे। शिवचरण और मोनू के बीच में बहस हुई। इसी बीच मोनू कुछ समझाने की कोशिश करता कि शिवचरण के साथ अन्य आरोपी मोनू पर टूट पड़े। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वारदात के समय आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। दिन दिहाड़े बीच बाजार मारपीट का मंजर देखकर दुकानदार, ग्राहक और आसपास के लोग डर गए। बता दें कि इसी तरह का मामला साल 2018 में सेक्टर 22 की मार्केट में हुआ था।